नमस्कार, यूनो एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अशोक व्यास। आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो दे रहे हैं ये आश्वासन कि 21वीं शताब्दी में भारत 20वीं शताब्दी की कुछ भूलों के सुधार की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं वो सुनेंगे आप आज के यूनो एशिया में। साथ ही हम आपको मिलवाएंगे नवभारत टाइम्स के संपादक कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर से, बात कर रहे हैं उनसे क्या खोजी पत्रकारिता हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा की तुलना में कम है, अगर हाँ तो ऐसा क्यों है। इस बारे में चर्चा के अलावा आज आप देखेंगे दूसरा भाग उस मुलाकात, उस रिपोर्ट का, जिसमें आप लॉयंस क्लब, जो लॉन्ग आइलैंड का है, इंडो अमेरिकन लॉयंस क्लब, उसके पहले गाला डिनर पर हमारी रिपोर्ट का दूसरा अंश आज आप देखेंगे। साथ ही साथ एक खास मुलाकात में डॉक्टर राकेश शर्मा और डॉक्टर रविंद्र गोयल हमें बताएंगे क्या कुछ होने वाला है तीसरे गणेश उत्सव में हिक्सविल में। इसका आयोजन 17-18-19 सितंबर को हो रहा है। ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। विजनो वेशिया वाइज कम्युनिटी में फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए आपको सीधे सीधे लिए चलते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संबोधन की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा भारत 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी की कुछ भूलों के सुधार में लगा हुआ है, और संदर्भ था उन गुमनाम शहीदों की स्मृति का भी जिनके बारे में भारत में उतनी अधिक चर्चा नहीं हुई है। और क्या कहा उन्होंने, आइए सुने ये अंश। साथियों, भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा है जिन्होंने समय समय पर भारत को अपने तप और त्याग से दिशा दी है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्रनायक और राष्ट्रनायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेलदेव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब
देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। 14 सितंबर पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया और इस अवसर पर हमने बातचीत की हिंदी पत्रकारिता के बारे में। नवभारत टाइम्स के संपादक सुंदर चंद ठाकुर कैप्टन हैं वो, और साथ ही लेखक अमर त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े। क्या खोजी पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी भाषा में जो कार्य हो रहा है वो अंग्रेजी भाषा की तुलना में कुछ कम है? क्या संसाधनों का अभाव है? क्या कहते हैं इसके बारे में नवभारत टाइम्स के संपादक? आइए सुने। देखिए, मैं जिस स्कूल से आता हूँ उसमें पत्रकारिता और साहित्य दोनों आपस में गुथे हुए हैं, तो मैं साहित्यकार भी हूँ। मेरी 6 पुस्तकें आ चुकी है, उपन्यास, कविता संग्रह, कहानी संग्रह। और जिन लोगों के मैं बहुत करीब रहा, जिनसे मैंने सीखा, वे स्वयं ऐसे लोग थे जो कि साहित्यकार भी थे और पत्रकार भी थे। अगर मैं बहुत उन लोगों के नाम लेना चाहूँ तो विष्णु खरे मेरे बहुत करीबी मित्र रहे हैं, वो भी नवभारत टाइम्स दिल्ली में संपादक थे, साहित्य में उनका अपना नाम है। मंगलेश डबराल मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र थे, जिनका पिछले वर्ष देहांत हो गया। वो खुद एक बहुत बड़े पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इसके अलावा साहित्यकार तो हैं ही। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो साहित्य और पत्रकारिता को मिला के हुई है। एक समय था जबकि बहुत सारे साहित्यकार जो थे वो पत्रकारिता जगत से भी जुड़े हुए थे, तो पत्रकारिता में वो साहित्य की जो वैल्यू हैं, साहित्य के जो मूल्य हैं, वो पत्रकारिता में लेके आए। और मुझे लगता है कि मेरी पीढ़ी के बहुत सारे पत्रकार उन लोगों से प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे वो मूल्य सीखे, और अब वो अपनी अपनी तरीके से उस मूल्य को अगली पीढ़ी को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है तो, और जो वहाँ तक अगर हम हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो आप अगर उसके इतिहास में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि पहले जो लोग थे, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हों, जितने भी लोग थे वो साहित्य से जुड़े हुए थे और साथ में पत्रकारिता की उन्होंने, तो ये उसकी वजह से हिंदी की पत्रकारिता भी समृद्ध हुई और हिंदी की भाषा भी समृद्ध हुई। तो ध्वनियाँ जो हैं तरह तरह की हमारे आसपास वातावरण में होती है, पर हम उनका क्या बनाते हैं ये हमारी समझ हिंदी भाषा के साथ रहते हुए जैसे विकसित होती है, इसकी चर्चा हम पत्रकारिता की खिड़की से जब कर रहे हैं। तो अमर त्रिपाठी जी, आप बताएं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर जी ने जो कही है कि पत्रकारिता और साहित्य एक पाठक के रूप में, मुझे लगता है इन दोनों में बहुत बड़ा भेद रहता है, और बल्कि जो साहित्यकार है वो जिस तरह के धर्म को लेकर पत्रकार अपनी लेखनी को लेकर पाठक तक आता है, साहित्यकार उसको कहीं ना कहीं नकार के फिर अपना एक अलग संसार रचता है। तो इन दोनों का जो मेल है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? हम लोगों ने जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि साहित्य से भावना यस्मिन सह साहित्य। अब ये साहित्य चाहे कविता में हो, चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे लेख में हो, चाहे लेखन में हो, हमको इसके आसपास ही पूरा जीवन दिखाई देता है। कविता या लेख दोनों को पढ़ने का जो सौभाग्य मुझे मिला वो ब्रिज में नंदकिशोर नौटियाल जी थे, उनके साथ थोड़ा सा काम करने का भी मौका मिला, और सही कहा जाए तो पत्रकार ही उन्होंने बनाया मुझे, तो बहुत कुछ लिखना पढ़ना उनसे सीखने को मिला। ये अब ये जो ज्यादा साहित्य वाले लोग हैं, ज्यादा हिंदी के विकट विद्वान लोग हैं, ये आम आदमी की जो भाषा है, जो नॉर्मल भाषा है, उससे ऊपर हट करके जब चले आते हैं तो हिंदी का नुकसान होता है, हिंदी का फायदा नहीं होता।
हिंदी का फायदा करने वाले लोग हैं हमारे गली कूचे के जो हॉकर्स हैं, हमारे जो आम लोग हैं जो हिंदी को आराम से बढ़ा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हिंदी की बोझिलता को, हिंदी की क्लिष्टता को उससे मुक्त करके सरल भाषा में अगर आप लिखें, मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। नवभारत टाइम्स में एक बहुत अच्छा कॉलम लिखते हैं सुंदरचंद ठाकुर जी, किसी से पूछ के देखिए आप और कहीं पढ़ के देखिए, आपको मैंने एक भेजा भी है पढ़ के देखिए, आम आदमी की जो जन भाषा है, कहीं आपको कोई क्लिष्टता, कोई डायरेक्टरी, कोई डिक्शनरी ढूंढने की जरूरत, आम आदमी की भाषा में बोलना, आम आदमी की भाषा में पढ़ना, उनके लेखन में भी आपको बोझिलता नहीं दिखाई पड़ेगी। तो हिंदी का आज की स्थिति में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो सुंदरचंद जी कर रहे हैं। लॉन्ग आइलैंड इंडो अमेरिकन लॉयंस क्लब के पहले गाला डिनर का आयोजन पिछले दिनों हुआ, जिसकी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा चुके हैं, पर इस अवसर पर जो कुछ आयोजन हुआ और जितने उत्साह से अध्यक्षता कर रही इंदु गजवानी और वाइस प्रेसिडेंट कनक गोलिया जी तथा अन्य सदस्यों के नेतृत्व में ये जो आयोजन हुआ, उसकी एक और रिपोर्ट आज आईटीवी गोल्ड पर आपकी सेवा में प्रस्तुत है। लॉयंस क्लब इज सेलिब्रेटिंग इज फर्स्ट एनिवर्सरी टू रेज द मनी फॉर COVID-19 रिलीफ फंड फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक। डोनेटिंग द लॉयंस क्लब इंटरनेशनल फंड फॉर डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज एटसेट्रा, हॉलीडे चैरिटीज टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन लॉन्ग आइलैंड टू अदर स्टेट, एनुअल फूड ड्राइव, क्लोथ ड्राइव, हेल्थ फेयर फॉर नीडी पीपल इन ट्राई स्टेट एरिया। I will request everybody to please generously donate the money to this club. We start this club in 2019 and today we have more than almost 100 members and we are doing too many charities and that's the one of the reason I joined this club, because charity is close to my heart. And we did last year almost like 20 events to help the people, give the glasses, give the food, give the lot of gifts to the people they needed. So this is the way we are growing more, and hopefully our goal is next year to do the double than this year. We are doing this first gala and it is very successful. It is fully 175 people capacity, but we are 100% sold out. I am humble and honored for this wonderful gala. Big round of applause for the Indu Gajwani and her team. She has done amazing work in last 2 years as a leader of Lions Club. In fact, Lions Club has become one of the most prominent organization now in Indian community. And credit goes to Indu Gajwani and her team, for Sunil Mehra, for Bhatija, and every one of you who are here. And congratulations to all honorees on behalf of Indian physicians in New York. Thank you all. Today I am very honored and humbled to be here. This is a North Indo-American Lions Club of Long Island under the presidency of Indu Gajwani. She has done amazing leadership during this COVID time. And this Lions Club of Indo-American Lions Club has reached new heights under her leadership. This is actually only a couple of years this club has been formed, but this has become one of the most prominent club. And as you see, the who's who is here, all the eminent community leaders are here. And we congratulate all the honorees tonight and congratulate President Indu Gajwani for organizing this wonderful event. Also today we will be giving tribute to the heroes, fallen heroes of America in Afghanistan. And we are very saddened by the loss of 13 soldiers and 13 soldiers died and 18 soldiers are injured, along with 65 people dead in Afghanistan. So we pay tribute to them and we assure we that their sacrifice will not go in vain and America will be strong again and take care of the region. What a wonderful organization Lions Club is. We're just ecstatic, and I think we serve is just such an amazing motto. It truly, truly helps us be more of a member of a community that we live in. We are home away from home, and this has become our new home, and just
very proud to be part of this community and very proud to be part of this organization. So I would like to congratulate and take this opportunity for the 75th year of independence of India to all those who has heritage from India. So congratulations for the India Independence Day. And also I'd like to congratulate Induji and Shyamji for taking so much courage and starting this new Lions Club chapter. And it has grown so quick, so fast, and congratulations once again. Thank you very much for having me, and I really accept the honor, and thank you very much. I accept it with a lot of gratitude and my privilege. Thanks a lot. I'm here today at the Lions Club, and we are really happy to be here today this evening on the first fundraising gala organized by Lions Club in the Long Island, Indo-American Long Island Lions Club. This club was founded by Indu Gajwaniji and Shyam Gajwaniji in 2019, and we are very proud for them to have organized and founded this Lions Club chapter. And once again, congratulations to the organizers and congratulations to the executive committee for organizing today's wonderful gala event. Thank you very much. यहाँ पे जो भी दुनिया में हो रहा है वो सब गलत हो रहा है और हम सब उनके साथ हैं, जो भी अफगानिस्तान में जिन भी शहीदों की मौत हुई है और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए और सब उनका जो दुख दर्द है सब मिट जाए। हमारी यही इच्छा है और हमें बहुत ही खेद है जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है। फिर एक बार आपका स्वागत है विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे आपकी सेवा में पेश करने के साथ साथ एक साप्ताहिक अंक विजन ऑफ एशिया का ITV गोल्ड पर रविवार की सुबह 11 बजे हम आपकी सेवा में लेकर आते हैं। आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आभार आपका बहुत बहुत व्यक्त करते हुए निवेदन, बने रहे हमारे साथ, जारी रहेगा विजन ऑफ एशिया का ये अंक इस छोटे से ब्रेक के बाद। गणेश जी विघ्नकर्ता और विघ्नहर्ता दोनों रूपों में जाने जाते हैं और आज प्रारंभ हुआ है हिलसाइड एवेन्यू पर एक गणेश महोत्सव। 5वें गणेश महोत्सव का आयोजन हुआ है हिलसाइड एवेन्यू पर YMCA के परिसर में और इसके साथ ही साथ 3रे गणेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है हिक्सविल में। जी हाँ, हिलसाइड एवेन्यू है क्वींस में और हिक्सविल लॉन्ग आइलैंड में। लॉन्ग आइलैंड में ब्रॉडवे कॉमन में 17, 18 और 19 को हो रहे इस गणेश उत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी हमें दी डॉक्टर राकेश शर्मा और डॉक्टर रविंदर गोयल ने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रवत निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। किसी भी मांगलिक कार्य के प्रारंभ में गणेश जी का स्मरण किया जाता है, उनको विघ्नहर्ता कहते हैं तो विघ्नकर्ता भी कहते हैं और विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता के साथ साथ अपने हाथ में मोदक लिए हुए गणपति भगवान की आराधना करने का एक विशेष अवसर हिक्सविल में 3री बार गणेश महोत्सव के रूप में जो प्रकट हो रहा है 17, 18, 19 को, उसके बारे में बताने के लिए दो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। जी हाँ, मन की चिकित्सा जो अध्यात्म संस्कारों से होती है उसके बारे में दोनों सजग हैं, डॉक्टर राकेश शर्मा और डॉक्टर रविंद्र गोयल जी। आपका स्वागत है, नमस्ते। तो जी डॉक्टर राकेश शर्मा जी, ये 3री बार होगा जब गणेश उत्सव इस प्रकार से हिक्सविल में मनाया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं इस बार और क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले तो ITV का जो ऑडियंस है उनको मैं नमस्कार करता हूं और आपको भी अशोक व्यास जी एंड डॉक्टर गोयल। ये इस बार हिक्सविल में 3रा गणेश महोत्सव है जो इंडो अमेरिकन फेस्टिवल की तरफ से मनाया जा रहा है। इसमें सब लोगों का आना अनिवार्य है क्योंकि ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है कि उनको पता चले कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कौन कौन से त्यौहार होते हैं। गणेश जी का त्यौहार तो
सबसे आगे है, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम जय गणेश बोलते हैं। इसी श्रद्धा को लेकर जो हिंदू कम्युनिटी है लॉन्ग आइलैंड में, उन्होंने हिक्सविल के अंदर ये आयोजन किया है गणेश महोत्सव। तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग लॉन्ग आइलैंड, क्वींस, ब्रुकलिन और मैनहट्टन में रहते हैं, फाइव बरोस में रहते हैं, वो सब यहाँ आए। ये उनका अपना प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि वो अपने परिवार को लेकर, अपने पड़ोसियों को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर आए, चाहे वो लोग हिंदू हो या अमेरिकन हो, सबको लेकर आए। ये प्रोग्राम 3 दिन चलेगा, सितंबर 17, 18 एंड 19 को, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हमारे शुक्रवार को 10 बजे गणेश जी की स्थापना होगी। यहाँ पर 12 फीट इंडिया से मंगाया हुआ गणेश जी हैं, उनका उनके साथ में स्थापना करेंगे। उसके बाद में यज्ञ होगा। आप सभी को आमंत्रण है कि आप लोग स्थापना में अवश्य आएं। उसके बाद में दिन में पूजा होगी, अलग अलग टाइम पर पूजा होगी और ये पूजा शाम को 7 बजे तक चलेगी। इसके अलावा फ्राइडे को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद में शाम को आरती होगी, रात को गरबा होगा। आप सभी आइए 8 से 10 तक, आप सभी लोग गरबा बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। ये एक नया अट्रैक्शन हमने दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरबा डांस करने वाले हैं उनको बड़ा आनंद आएगा। शनिवार को हमारा प्रोग्राम फिर 10 बजे से स्टार्ट होएगा और 10 बजे से स्थापना तो ऑलरेडी हो चुकी है, पूजा होगी और दोपहर के टाइम पे हमारा कुछ जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनका हम आदर सत्कार करेंगे। शाम को बहुत ही सुंदर गणेश लीला होगी जो कि 1 घंटे की होगी, वो बड़े ही म्यूजिकल होगी और बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि इसमें जो गणेश लीला में जो कर रहे हैं नवरंग अकेडमी, वो बड़ा ही सुंदर काम कर रहे हैं। उसमें वो गणेश जी के डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बताएंगे ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि गणेश जी का और मनाते क्यों हैं हम। और फिर रात को गरबा होगा। संडे के रोज 10 बजे फिर शुरू करेंगे, पूरे दिन म्यूजिकल प्रोग्राम चलता रहेगा और सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो आपको होगा वो शाम को विसर्जन होगा। गणेश जी का जो है हमारा हिंदू धर्म में जन्म, जीवन और मृत्यु, तो गणेश जी को विसर्जन करने का मतलब ये है कि गणेश जी को हम वापस शाम को 6 बजे पॉइंट आउटलुक पे कैलाश वापस भेज रहे हैं उनके माता पिता के पास में, जो हमारे साथ में गणेश चतुर्थी से जुड़े और 10वीं तक रहे। हिक्सविल इस टाइम जो है सेंटर ऑफ हिंदू कम्युनिटी है, तो इजीली अप्रोचेबल। अगर आप लॉन्ग आइलैंड एक्सप्रेस वे लेते हैं तो रूट 106, 107 साउथ, अगर आप नॉर्दर्न स्टेट से भी आते हैं तो आप 41 साउथ लेते हैं, हाईवे से 2 मिनट का रास्ता है। और इस स्थान को हमने इसलिए चुना है कि एडमिशन इसकी फ्री है और पार्किंग फ्री है, तो जितने भी लोग देखने आएंगे किसी को कुछ पार्किंग के पैसे नहीं देने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्किंग है, इसलिए हमने इस जगह को चुना है। और मैं 2 चीज़ें और इसमें शामिल करना चाहता हूँ कि डॉक्टर गोयल ने जो बताया उसके साथ साथ इसमें एक आर्ट कॉम्पिटिशन है बच्चों के लिए, तो जो बच्चे हैं 8 साल से लेकर 14 साल तक, उनका आर्ट का कंपटीशन होगा, उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिए जाएंगे। और साथ में हमारे कल्चरल प्रोग्राम के अंदर बड़े अच्छे अच्छे डांस होंगे और भजन गाए जाएंगे और साथ में वहाँ पे कुछ खाने पीने की सुविधाएं होंगी। आपको भारतीय खाना जो है प्योर वेजिटेरियन वहाँ पे खिलाया जाएगा। वहाँ पे कुछ और भी स्टॉल्स हैं जैसे ज्वेलरी और कपड़े के या किसी और छोटे छोटे गिफ्ट के। डॉक्टर साहब, मैं बोला, सब जाने आइए। और आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको फिर एक बार याद दिला दें कि आप फेसबुक पर हमारे मित्र बने, ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इवेंट्स के बारे में तथा अन्य सुझावों के बारे में हमें लिखें events@itvgold.com पर। अपना ख्याल रखें, हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें, नमस्कार।